नमस्कार, आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बिल्कुल सही तरीके से सूर्य की उंगली के साथ जुड़ी हुई, सामान्य लोगों की तरीके से सोच रखने वाला व्यक्ति, ज़्यादा रिस्क लेने में डरने वाला व्यक्ति, बुद्धि के हिसाब से उत्तम बुद्धि आपके पास में विराजमान है और कुल मिलाकर के अपनी तरफ से लोगों को सही सुझाव भी देते हैं। परंतु नीचे वाले पर्व में, बुध के पर्व में जब जब छोटे छोटे कट मौजूद हो जाते हैं तो ये आर्थिक समस्याओं को बनाए रखते हैं। ये कट, ये वर्तमान की स्थिति है, जीवन में आजीवन नहीं रहती, ये भी आपको अभी से बताए चलता हूँ। तो कुल मिलाकर उंगली ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली अपने आप में एकदम सीधी खड़ी है। आत्मा से व्यक्ति स्वच्छ है, साफ है, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। परंतु ये गैप अपने आप में बहुत ख़राब सिंबल होता है। जब दो उंगलियों को मिलाने के बाद इस तरह का गैप रह जाता है तो व्यक्ति के पारिवारिक रिश्ते बहुत ख़राब होते हैं। भाई बहन के साथ भी संबंध खराब, साथ ही साथ व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता के साथ में माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवाद का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपका एक सवाल का जवाब साथ के साथ हो गया है। तो ये तो आपको मिला हुआ है, फैमिली रिलेशन में जो है जो ख़राब है ये तो आपको मिला हुआ है। ईश्वर का वरदान, पुराने चर्मों का कर्म कित भी समझ लीजिए। बात कर लेता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी किस्म की होकर के जाती है, पूरे स्थलों से मजबूत नहीं है, पर्वों से मजबूत नहीं है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन में आएगी तो उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बाकी नहीं। तो इस प्रकार की शनि की उंगली यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा आपके बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली के बीच वाले पर्व में कट भी मौजूद हैं और ये गैप भी, यानी कि ये इस बात को दर्शाते हैं कि आपकी ईश्वर के प्रति तो पूजा पाठ ठीक है, परंतु जब इस प्रकार का गैप होता है तो ये बृहस्पति का की उंगली के बीच का, शनि की उंगली का यहाँ पर जब गैप होता है तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना पत्नी के साथ भी वैचारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर यदि देखूँ तो अनुकूलता के लिए यहाँ पर ये तीन रेखाएं, चार रेखाएं आपके पास खड़ी हैं। ये जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को धन के आगमन सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। पर्वत थोड़ा उठा हुआ है तो उसकी गति थोड़ा मंदी होती है, लेकिन निरंतरतः धन बना रहता है, संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। आइए बात कर लेते हैं आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और बहुत शानदार रेखाएं यहाँ पर हाथ के अंदर मौजूद है, जो इस बात को दर्शाती हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों से, आपका एक सवाल भी है यहाँ पर, वो आगे भी देखूंगा, पहले दूर स्थानों से जुड़ता है तो व्यक्ति धन का लाभ कमाता। साथ ही साथ यदि वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय पर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करे, अन्यथा चीज़ों से ध्यान हटा करके, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी में भी अपने जीवन के अंदर तरक्की या प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर राज्य सरकार से लोन, सहयोग और आपका सम्मान आपके क्षेत्र के अंदर बना रहेगा। बात करते हैं आपके धन पर्व की। धन का पर्व यहाँ पर अभी सामान्य स्थिति के साथ है, सामान्य स्थिति के साथ ही रेखाएं खड़ी हुई हैं, यानी कि कुल मिलाकर के धन के आगमन को दर्शाने वाली ये रेखाएं। अगर ये पूर्णतः जाकर के आपकी हृदय रेखा से लंबी जितनी खड़ी होंगी उतना ही धन के आगमन आपको ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बृहस्पति पर्व की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति पर्व और यहाँ बृहस्पति पर्व इस प्रकार की रेखाओं को दर्शाता है। पर्व अनुकूल है, अनुकूल पर्व का फल अवश्य मिलता है। अनुकूल पर्व का फल क्या होता है? पैतृक संपत्ति मिलना, स्वयं व्यक्ति का खुद के द्वारा मकान का निर्माण करना और अपने आप में साधन जुड़ा करके व्यक्ति रख ही लेता है, चाहे कारण कुछ भी क्यों ना सहे। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और विवाह रेखा का थोड़ा सा ढलवा होना, साथ ही साथ बृहस्पति पर्व पर अच्छे इंडिकेशंस ना मिलना, कुछ कैची मिलना व्यक्ति के लिए ध्यान रखने की बात है। पत्नी के साथ बहुत संबंध अच्छे बनाने की ज़रूरत है, तलाक तक के झगड़े झंझट ना पहुँचें, इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ कई कई एक्स इस जगह पर मौजूद हैं। यहाँ ये इन चीज़ों को
खास तौर से बहुत बुरे इंडिकेशंस माने जाते हैं। तो ये अपने आप में, क्योंकि सर राज्य सरकार तक सोर्स पहुंच रहे हैं, तो ये मुकदमे की स्थिति पैदा कर देते हैं। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ हैं, साथ ही साथ सेकेंड मंगल पर्वत से भी ये रेखा निकल रही है, यानी कि मुकदमों के लिए बिल्कुल अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पर, खराब स्थिति के इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व बहुत ही ज़्यादा, मंगल पर्व एकदम फूला हुआ मंगल पर्व आपका। यहाँ पर यदि देखते हैं, जब इस प्रकार का मंगल फूला पर्व होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अति साहस कर जाता है। अति साहस करना किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। अति साहस करेंगे तो जीवन में किसी प्रकार के, कई प्रकार के, यानी के अति साहस से मतलब यह है कि अपने माइंड पर नियंत्रण ना रखना और उल्टा सीधा एक्शन ले जाना, तो वो अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। साहस करना चाहिए, अति साहस ठीक नहीं है। साहस से कर्म करना चाहिए। बात कर लेते हैं बुद्धि रेखा की। यहाँ बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा जा करके यहाँ पर ठीक ठाक, कोई ज़्यादा चंद्र पर्वत तक तो नहीं पहुँची, लेकिन अपने आप ये ठीक ठाक यहाँ इस पर्व तक पहुँच गई है। यानी बुद्धि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल पर्व ज़्यादा उठा हुआ है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और पूरा अनुकूल चंद्र पर्वत, एकदम चंद्र पर्वत अनुकूल, एकदम क्लियर साफ। तो आपका एक सवाल है, काम नहीं चल रहा है, सफलता नहीं मिलती है, आर्किटेक्ट फील्ड में हूँ, ये सब आपका सवाल है। यहाँ आपने कहा मेडिकल स्टोर या आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम कर सकता हूँ। देखिए साहब, जब जब चंद्र पर्वत और शनि का जैसा कॉम्बिनेशन आपके हाथ के अंदर है वो होता है, तो व्यक्ति को पेट्रोल, डीजल पंप, पेट्रोल पंप, डीजल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, मेडिकल स्टोर का काम, आयुर्वेदिक दवाइयों का काम, रस का काम, पानी का काम, दूध का काम, यानी लिक्विड के साथ जुड़ेंगे, आपने जो दो काम पूछे दोनों काम बनते हैं, तो आपके जीवन में वो काम चलेंगे। तो आपके काम वो दोनों बताएं, वो आप वो दोनों काम कर सकते हैं, ये दिखलाई देता है आपके हाथ से। अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा, यहाँ से ये भाग्य रेखा चली है, और यहाँ जाने के बाद में ये भाग्य रेखा, यदि इस समय आपकी एज है लगभग 39 वर्ष, तो पिछले जीवन में भी आपका संघर्ष चलता रहा, और 39वें वर्ष में एक रेखा ने एकदम काट दिया नीचे की तरफ, यहाँ 39 पर नीचे काटा है, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ उठा पटक होने वाली है। नए काम का निर्माण निश्चित रूप से आप शुरू करने वाले हैं, इस बात को दिखलाने वाली आपकी रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिला करके आप निश्चिंत रहिए, आपके जीवन के अंदर आप जो है नया काम ढूंढने वाला, और वो काम आपका सही तरीके से चलेगा। इसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि मंगल पर उठा हुआ था आपका, अगर वो थोड़ा सामान्य होता तो आपको आर्किटेक्ट वाले काम से ज़्यादा सहायता मिलती। तो ये ऐसा नहीं है कि पर्वत सामान्य नहीं होता है, मैं कहूँगा आपको अपने आर्किटेक्ट वाला काम भी आप साइड वाइज उसको कभी भी बंद ना करें, उसे भी चलता रखिए, क्योंकि आपकी मस्तिष्क बुद्धि रेखा ने भी बताया, और कुल मिलाकर मंगल पर्वत भी ठीक ठाक ही है। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखें, वो वाला काम भी साइड वाइज करें, और मेडिकल स्टोर या दूसरा काम यदि करें तो कर ही लेंगे, वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ रेखा बता रही है। तो चलिए, ये हो गया आपका। बाहर चला जाऊँ, कामयाबी कैसी? बिल्कुल नहीं, बाहर ना जाइएगा, बिल्कुल भी बाहर जाने का कोई भी संकेत हाथ के अंदर नहीं मिला। व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर, बिल्कुल निश्चित रूप से व्यापारिक रेखा है आपके अंदर, व्यापारिक गुण, व्यापारिक माइंड आपके पास मौजूद है। आपने कहा क्या लेखन के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी? देखिए, लेखन क्षेत्र के लिए असल में क्या है कि आपके पास लेखन क्षेत्र तो ठीक है, अगर मैं मंगल पर्वत और बुध पर्वत को देखता हूँ यहाँ पे जाकर टावर के नीचे, तो वो ठीक ठाक आपके पास है, लेकिन उससे प्रसिद्धि का योग बृहस्पति में भी नहीं चमक रहा और कहीं भी। तो इस शौक को करिए शौक की तरीके से, लेकिन इससे पैसा और प्रसिद्धि आपको नहीं मिल पाएगी। आपने कहा जॉब या आर्किटेक्ट ऑफिस, बिल्कुल मैंने कहा आप अपने जॉब को तो जॉब की मत सोचिएगा कृपया करके, और आप दूसरा वाला काम जो व्यापार के साथ जुड़ना चाहते हैं उस काम को करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। आइए बात कर लेते हैं आपके अन्य। ये शुक्र का पर्व है, और शुक्र पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं, इनका भी कहीं ना कहीं से लिक्विड के रूप में माना जाता है, लेकिन पत्नी से संबंधों को लेकर के ध्यान रखने वाली बात है। पत्नी से सहयोग तक मिलने की रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पत्नी का सहयोग उठाइए, और कोई विशेष कोई चरित्र खराब वाली स्थिति यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही।
और बात कर लेते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा कुल मिलाकर के आपके हाथ के अंदर आयु रेखा बहुत ही अंधेरी है, यानी अच्छी खासी 82-83 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो ये भी अच्छी निकली, संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर हैं, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। बस जो चीज़ मैंने कही है, सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ पूरे हाथ में दिखाई दिया है तो पत्नी के साथ संबंधों को लेकर के कुछ खटाव, परिवार के साथ कम खटाव, ये चिन्ह आपके हाथ के अंदर दिखाई दिए हैं। और तीसरा व्यापारिक उठा पटक, इसके लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको अपने पूजा के अंतर्गत यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सा तो पुखराज पहन लीजिए, इस उंगली के अंदर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा लीजिए, मैं पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ आपको रोजाना अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में श्री सूक्तम और पुरुषोक्तम का पाठ करना होगा। श्री सूक्तम और पुरुषोक्तम का पाठ सुबह ना करें, शाम को कर लें, एक बार। दूसरी बात, पत्नी से अपने आप को सही तरीके से संबंध बना करके आपको रखने हैं, और कुल अपनी पूजा के अंदर, नित्य पूजा के अंदर रोजाना सुबह के समय ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, अपनी पूजा के साथ साथ इस माला का जाप करिए, मानसिक शांति प्राप्त करिए, बस अपने जीवन में सफलता प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।